कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, एनटीएससी, एसटीएससी की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश केपीएस में। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT 24। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव आज अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव हमिंदपुर, खौरी, खापरिया, बनहड़, ओटोली, कोहराणा, अनंतपुरा सहित अनेक गांवों का धन्यवाद दौरा किया। इस दौरान विधायक ने जन समस्याएं सुनकर उनका निवारण करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। इस दौरान उनके साथ राव कमल सिंह यादव, एडवोकेट प्रशांत यादव बहरोड, संजय मीर, रामावतार यादव, सुधीर यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, अलवर से भूपेंद्र यादव को टिकट हो गया है, भूपेंद्र यादव को टिकट मिला है, कैंडिडेट खुद मैदान में नहीं है और आप वोट मांग रहे हैं, अभी से इतनी मजबूती से आप मैदान में हैं? सर, इसलिए कि हमें भूपेंद्र यादव की जरूरत है, वो केंद्रीय मंत्री है, हाई कमांड है, हमको आगे सारे काम नहर आएगी जी, तो नहर के अंदर जितनी वो मदद कर सकता है इतनी हम नहीं कर सकते, भूपेंद्र यादव कर पाएगा। कोई भी केंद्र की योजना है, जैसे गांव मांग रहा है अभी सेंट्रल स्कूल, तो हमारे लटकते लटकते 10 साल हो गई, वो आएगा एक मिनट चुटकियों में करा देगा। केंद्र की कोई भी योजना आएगी, वो एक सरकार हमारे पास चुनाव लड़ रही है, तो हम चाहते हैं यहाँ का डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट भूपेंद्र यादव तुरंत तुरंत करा देगा, वो साधारण एमपी नहीं है। आज महिला दिवस भी है, केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है महिलाओं को, 100 रुपये सिलेंडर में राहत दी है, लखपति दीदियाँ बना रहे हैं, क्या कहेंगे मोदी सरकार की गारंटी के बारे में? मोदी सरकार की गारंटी तो वो गारंटी है, शायद मुझे कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, भगवान में मोदी में कोई अंतर नहीं है, या तो भगवान गरीबों की सुनता है या मोदी सुनता है जनता की, खूब काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर कांग्रेस भी यादव को टिकट देती है तो किस तरह का चुनाव रहेगा, हार जीत का अंतर क्या 3 लाख से ऊपर जाएगा? लोग तो इस टाइम विकास चाहते हैं, यादव तो घने ही चुनाव लड़ते आए हैं, घने ही मेरे जैसे एमपी रह रहे हैं, मैं रहा, करण सिंह जी रहे, चारनाथ जी रहे, बाबा बालकनाथ जी रहे, भूपेंद्र जो चुनाव लड़ रहा है वो एमपी नहीं लड़ रहा, वो केंद्र का मंत्री लड़ रहा है, उससे इस इलाके का भाग्य खुलेगा, इसलिए 5 लाख से ज़्यादा वोटर जीतेंगे, कोई भी लड़ ले, चाहे यादव लड़ ले, मामन लड़ ले, ठाकर लड़ ले, कोई भी लड़ ले। डॉक्टर साहब, पूरे जिले में एक चर्चा जोरों पे है कि अगर भूपेंद्र सिंह यादव ज़्यादा मजबूत होता है तो मंत्रिमंडल में जो विस्तार होगा यादव का मंत्री बनना निश्चित है, क्या संभावनाएं लगती है आपको? भैया, भूपेंद्र तो मंत्री बनेगा, हमको तो सीएम की मर्जी होगी तो मंत्री बना देगा, ना मर्जी हुई तो ना बनाओ, हमें तो अपनी जनता की सेवा करनी है, करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, खासतौर से अंतपुरा में एक लोकल सवाल है, अंतपुरा गांव में पानी की बड़ी समस्या है, लोग 400 से 500 रुपए प्रत्येक घर से जा रहे हैं हर महीने, जेजीएम की योजना कब तक लागू हो जाएगी? माफ़ कर रहा, अगर हिम्मत है और सच्चाई दिखाना चाहते हो, माननीय पूर्व एमएलए साहब के टाइम के अंदर हमारी विधानसभा के 38 गाँव हैं जो बर्बाद कर दिए गए हैं, सारे मिल के खा गए, ठेकेदार, अफसर और विधायक, और वो सार कहीं आधी पाइप डाल दी, कहीं आधा बोरिंग डाल दिया, कहीं नकली मोटर डाल दी, कहीं नकली तार डाल दिए, ईडी का छापा पड़ा हुआ है, और उन गांवों का क्या स्थिति होगी? अच्छा हुआ अंतपुरा का काम उस टाइम नहीं हुआ, नहीं ये भी औरों की तरह रोना पड़ता है इनको, अब इनका काम होगा तो वो काम होगा जो कम से कम 10-20 साल चलेगा। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल है, बहरोड नगर पालिका का इतना बिल बाकी है कि कनेक्शन काट रहे हैं सड़कों के, जो है लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए बकाए हैं, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? इसमें वही बलजीत सीताराम जी, अब तो सीताराम जी आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं है सीताराम जी, मेरे साथ नहीं, वो तो कांग्रेस के, वो उसके बलजीत के हैं, बलजीत के टाइम को बनाए हुए, मैं तो जबरदस्ती पंगा नहीं लेता, मैं चाहता हूँ कोई काम शुरू हो जाए जी, ये है, अगर सीताराम जी काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल कॉलेज, बीएड कॉलेज, कोचिंग के साथ हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान, अब प्ले ग्रुप से 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा की टीम के साथ बहरोड में आईआईटी नेट की तैयारी करवा रहा है। कोटा की कोचिंग अब आपके शहर बहरोड में। बहरोड के बूढ़वाल में आज जोहड़ वाले बाबा का मेला
व विशाल भंडारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भी शिरकत की। उन्होंने सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के लिए समस्त मेला कमेटी और स्थानीय ग्रामीण जनों का आभार जताया। पुष्पेंद्र यदुवंशी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह कलश यात्रा के साथ हुई, साथ ही भंडारा व सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए जिसमें विभिन्न कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। शाहजहाँपुर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुश्ती मेले का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान यादव ने कहा कि कुश्ती हमारा लोकप्रिय खेल है। आज आधुनिकता की दौड़ में हमारे ग्रामीण खेल लुप्त होते जा रहे हैं, हमें इन पुरानी संस्कृतियों को सहेज कर रखना होगा। मेला कमेटी ने मुख्य अतिथि का साफा और माला पहनाकर स्वागत भी किया। इंदु अस्पताल नीमराणा, आईसीयू, एनआईसीयू, एसी वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। सतमा से अठमा से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख टीपीए, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। नीमराणा के पास कोलीला जोगा औद्योगिक क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते मैदानी भाग में घास फूस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जापानी जोन फायर स्टेशन प्रभारी कृष्ण यादव ने बताया कि कोलीला जोगा के निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सतमा से और अठमा से बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा, विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।